हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल प्रतिभा टेरेस गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पूछ इलाके में कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये पिंक वाला है और गाजरी है और वाइट कलर में है फ्रेंड, और एक पिंक और वाइट में है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और आज फ्रेंड्स मेरे कमारस लिली में भी फ्लावरिंग हो गई है, फ्लावर्स खिल गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये फर्स्ट फ्लावर खिला है भी फ्रेंड, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज फ्रेंड्स मैं अल्टरनेंथ्रा की कटिंग लगाने जा रही हूँ, वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये एक पिंक कलर है और मेरे पास और एक ग्रीन है। आज मैं फ्रेंड्स ग्रीन वाले का कटिंग लगाने जा रही हूँ। ये पिंक है, देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे से इसकी पत्तियाँ पिंक पिंक होती हैं और ऊपर से ग्रीन होती है फ्रेंड्स। अगर इसे धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ पिंक हो जाती हैं, अगर इसे छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन हो जाती है फ्रेंड। इसे इस समय 2-3 घंटे की सनलाइट में ज़रूर रखें फ्रेंड। आज मैं ये ग्रीन वाली अल्टरनेंथ्रा की कटिंग लगाने जा रही हूँ, ये ऐप से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें फ्रेंड। ये देखिए बनी भी आ गया है, देख रहा है कि कैसे मैं इसको खा लूं जल्दी से। देखिए बहुत मेरा नुकसान करता है, सारी जिनिया के मेरे प्लांट कट करके खा गया है और बच्चे छोड़ देते हैं यहाँ पर और ये खा जाता है, बहुत नुकसान करता है मेरा। ये देखिए अल्टरनेंथ्रा की फ्रेंड्स, इस समय आप छोटी से छोटी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। देखिए ये जो सूखे लग रहे हैं ये भी कटिंग ग्रो हो जाएंगे फ्रेंड। आप इस समय पिंक और ग्रीन दोनों का कटिंग लगा सकते हैं। रेनी सीजन में तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी से रूटिंग हो जाती है, इसकी कटिंग में फ्रेंड 1 हफ्ते में इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर 2-3 दिन में ही देखते हैं तो रूटिंग हो जाती है फ्रेंड्स, उसमें रूट्स बन जाते हैं। ये मेरा नेक्स्ट ईयर का प्लांट है, इसी में से कटिंग में लेकर लगा रही हूँ। नीचे से भी देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है और ऊपर से ये देखिए मेरी बेटी लगा रही है इसकी कटिंग। यही नेक्स्ट ईयर भी इसी में लगाई थी फ्रेंड्स और मैंने इसको वेस्ट में ही लगाया है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जब अगर इसे गोल पॉट में लगाएंगे फ्रेंड तो बॉल का शेप ले लेता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। ये देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ फ्रेंड्स, इसकी छोटी सी कटिंग लेकर मैं इसकी पत्तियाँ हटा कर इसे सॉइल में बस ऐसे दबा दीजिए आप और इसकी कटिंग लग जाती है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग फ्रेंड लगा कर आप छाया में रखिए। इस समय तेज़ धूप हो रही है, तेज़ धूप से आप इसे बचाइए, नहीं तो ये सारी कटिंग्स आपकी ख़राब हो जाएंगी। और फ्रेंड रेनी सीजन में तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है देखने में, एकदम हरियाली ग्रीन लुक आता है देखने में फ्रेंड। अगर आप रेनी सीजन में इससे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत जल्दी ये आपके पॉट को कवर कर लेगा, ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। ये देखिए ऊपर से सूखा लग रहा है लेकिन ये इसकी आप कटिंग लगा देंगे तो ये न्यू ग्रोथ इसमें से हो जाएंगे। देखिए मेरे नीचे इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है। देखिए बनी कैसे आकर इस पर बैठ गया है, मेरा बेटा लाकर इसको बैठा दिया है इस पर। और ये देखिए फ्रेंड इसकी छोटी से छोटी कटिंग्स लग जाती है, मेरी बेटी इसको कैसे लगा रही है आप सब देख सकते हैं। इसको मैंने वेस्ट टाइल्स में लगाया है फ्रेंड्स, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है वेस्ट टाइल से। देखिए कितना अच्छा पॉट है ये, अगर ये रेनी सीजन में फूल हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसकी ग्रोथ जब अच्छे से हो जाएगी तो बहुत देखने में लुक इसका बहुत खूबसूरत लगेगा। सबसे ज़्यादा इसका लुक फ्रेंड रेनी सीजन में देखने में लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम हरियाली ग्रीनरी लुक देता है। देखिए फ्रेंड्स लग गया है पूरा मेरा, आप भी समय लगा सकते हैं इसकी कटिंग्स और उसे छाया में ही रखें, धूप में नहीं रखें फ्रेंड। अगर इसे गोल पॉट में लगाएंगे तो एकदम बॉल का शेप बन जाता है। और इस पर मैं पानी छिड़क रही हूँ देखिए, ताकि मॉइस्चर ऊपर से भी बना रहे इसके, और इसकी मिट्टी का मॉइस्चर हमेशा बनाए रखे फ्रेंड्स, इससे इसकी रूटिंग बहुत जल्दी होगी। और
इस समय फ्रेंड्स आप पिंक वाले और ग्रीन दोनों की कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत इजीली इसकी कटिंग लग जाती है, छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं से भी लाकर इसकी कटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। इसे फ्रेंड मैं छाया में रखूंगी। ओके बाय।